This is first lecture of the chapter haloalkane and haloarene from organic part for class 12 chemistry. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. जैसे जब आप लोग 11 क्लास में था तो ऑर्गेनिक में जब मैं पढ़ा रहा था तो हर एक सीरीज का मैक्सिमम पार्ट 12 को भी कैरी करके लेके गया था. एटलीस्ट नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, ठीक है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इथार, एस्टार और एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका एमीन डेरिवेटिव्स. तो सब सीरीज का नोमेनक्लेचर, जब फंक्शनल एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, नोमेनक्लेचर कैसे होगा, प्रायोरिटी सीरीज, फिर कुछ इफेक्ट्स भी बताया था, रेजोनेंस बैक इफेक्ट, बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टी क्यों स्पेशल होता है, ठीक है, बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, आइसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आए माइनस आए, जितना भी इफेक्ट है ऑलमोस्ट क्लास 11 में पढ़ा दिया था. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उसको फिर रिवीजन दो, क्योंकि उसका लास्ट पार्ट, उस हर एक सीरीज का लास्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा मेनली. तो 11 का अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होगा. बेसिक पार्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म पार्ट समझने के लिए थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा. तो हेलोएल्केन में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हेलोएल्केन पार्ट को देखेंगे, ठीक है. तो जैसे एल्केन है, एल्केन तो मालूम है आप लोगों का, मीथेन, इथेन, हाँ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन. उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई हेलोजन ग्रुप को ऐड करने से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोएल्केन. हेलोजन में फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, ठीक है. तो ये जो हेलोएल्केन है इसका क्लासिफिकेशन है मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन. तो मोनो हेलोएल्केन को और एक नाम है एल्काइल हैलाइड, इट इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड. तो मोनो हेलोएल्केन भी तीन टाइप का होगा क्लासिफिकेशन में. प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जिस कार्बन में हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन में दो हाइड्रोजन पर दो से ज्यादा हाइड्रोजन होगा. दो से ज्यादा हाइड्रोजन कैसे होगा, देखो आप, जैसे आपका CH3Cl है, क्लोरोमीथेन. तो यहाँ पे जिस कार्बन में क्लोरीन अटैच्ड है उसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना है, 2 हाइड्रोजन होना है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी 1 डिग्री. फिर एक हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी. हाँ, आपको देखना है जिस कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है उसमें अगर एक हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो दैट इज टर्शियरी, 3 डिग्री. फिर डायहेलोएल्केन, इसका भी दो टाइप का होता है, जेमिनल होता है. देखो एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन लगा हुआ था, दैट इज कॉल्ड जेमिनल. हाँ, यहाँ पे CH2 है, CH2, और इस कार्बन में दो हाइड्रोजन लगा हुआ है. अगर दोनों कार्बन में हाइड्रोजन लगा हुआ है एक एक करके, दैट इज कॉल्ड फिसिनल. 11 क्लास में थोड़ा बहुत मिला था फिसिनल, हल्का बुल्का, ठीक है. सो मोनो हेलोएल्केन का तीन पार्ट है. डाई हेलोएल्केन दो पार्ट बताया था, एक जेमिनल और एक क्या है, फिसिनल. फिर ट्राई हेलोएल्केन मतलब तीन हेलोजन होगा, CHX3, जिसको नाम है हेलोफॉर्म. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म टेस्ट करेंगे. तो ये आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म I3, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोराइड मीथेन. क्लोरोफॉर्म का एक नाम क्या है, ट्राइक्लोराइड मीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म. फिर टेट्रा क्लोरो टेट्रा हेलोएल्केन, मतलब चार हेलोजन होगा. सो कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक एग्जांपल होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. वी हैव अनदर थ्री टाइप ऑफ हैलाइड. वन इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, जैसे CH3, CH11, CH, CH2, CL. मतलब डबल बन का बगल वाला कार्बन में डबल बन
डबल बंद जिस कार्बन में उसको छोड़ के और एक कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड ये एग्जांपल हो गए। और एक एग्जांपल है जैसे मान लो कि साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन में, इसमें अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड। फिर होगा आपका विनाइलिक हैलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसमें अगर हाइड्रोजन है विनाइलिक हैलाइड, जैसे इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड, एरेंटा केस में आएगा, सॉरी साइक्लिक का केस में होगा कि यहाँ पे अगर आपको हैलोजन लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड जिसमें है उसमें अगर लगा हुआ है तो विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल रिंग होगा, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन नहीं है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन क्लास 11 में पढ़ा है, इसमें अगर हैलोजन लगा होगा तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। सो नेक्स्ट वन इज हेलो एरिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड। बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में जो भी कार्बन होगा ना उस कार्बन का सब डायरेक्टली जो हैलोजन अटैच होगा, हैलोजन अटैच होगा। और कंफ्यूजन हो सकता है ना बेंजाइलिक हैलाइड में, बेंजाइलिक में मतलब एक कार्बन का साथ रिंग कनेक्टेड है, कार्बन अलग से है, बेंजीन रिंग जिस कार्बन का साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग जिस कार्बन का साथ अटैच्ड है उस कार्बन में हैलोजन जॉइंट है, अटैच्ड है। लेकिन इस केस में क्या है कि बेंजीन रिंग का कोई भी कार्बन, जो छह कार्बन है हर एक कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जनरल फॉर्म में आर एक्स, आर मीन्स एल्काइल, एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या होता है एल्काइल। सो नंबर वन फॉर्म एल्केन, डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड, जैसे मिथेन हो गया, मिथेन में क्लोरीन देने से क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट क्लोरोमिथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, लेबोरेटरी में प्रिफर नहीं किया जाता है क्योंकि लेबोरेटरी में मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। कैसे, जैसे मिथेन में क्लोरीन डाला तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्लोरोमिथेन प्लस HCl, फिर क्लोरोमिथेन का साथ फिर तो हैलोजन और भी होगा ना, तो लाइट का साथ फिर रिएक्शन हो गया, डाई क्लोरोमिथेन प्रोड्यूस होगा प्लस सेकेंड HCl, फिर इसका साथ फिर क्लोरीन का रिएक्शन होके कैन नॉट कंट्रोल, रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड, अगेन इसका साथ क्लोरीन का रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कुछ प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, क्लोरोमिथेन कुछ होगा, डाइक्लोरोमिथेन कुछ होगा, ट्राइक्लोरोमिथेन कुछ होगा, टेट्राक्लोरोमिथेन। ओके, सो लेकिन ना इंडस्ट्री में ये प्रिफर होता है, इंडस्ट्री में ना लार्ज स्केल प्रिपरेशन में ये प्रिपरेशन होता है, लेट अस सी। सो हेलो एल्केन का जो लेबोरेटरी में जो प्रिपरेशन डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड यूज नहीं होता है क्योंकि हम लोग मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग कंट्रोल करके रिएक्शन को करा सकते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट चाहिए उसे अच्छे कर सकते हैं। तो ये जो हैलोजनेशन मेथड है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका यूज कर सकता है, मतलब कंट्रोल करके। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग का मतलब इसमें न्यूमेरिकल जब कराएंगे, जैसे प्राइमरी हेलो एल्केन बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा, तो उसके लिए भी हम लोग क्लास 11 का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी थोड़ा सा याद करो, लास्ट में बताया था, तो उसको थोड़ा पढ़ लेना, तब मैं इस नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। ओके, फाइन।